नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबर की शुरुआत। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में झाबुआ जिले की एकमात्र मेघनगर परिषद चुनाव परिणामों में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। नगर परिषद मेघनगर के कुल 15 वार्ड में 8 पर भाजपा प्रत्याशी ने विजयश्री हासिल की। वहीं कांग्रेस से 6 प्रत्याशी ने चुनावी रण में जीत दर्ज की है। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी बाजी मारी है। जीत के नतीजे सामने आते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विजय जुलूस निकालकर नगर की जनता का आभार व्यक्त किया। विजय जुलूस के बाद भाजपा और कांग्रेस से जीते प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंचे। इस दौरान वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस से पार्षद शायदा भाबर ने जनता का आभार माना और वार्ड विकास करने का संकल्प लिया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक ने भाजपा की जीत को जनता का आशीर्वाद बताते हुए सर्वश्रेष्ठ मेघनगर बनाने की बात कही। वहीं SDM अंकिता प्रजापत ने भी शांतिपूर्ण मतदान होने की बात कहते हुए जीत हार के आंकड़े जारी किए। झाबुआ से संवाददाता सुनील डाबी की रिपोर्ट। मेरे वार्ड से जीत किया है। मेरे जनता का बहुत भरोसा था कि मुझे एक नंबर से जीत हासिल करके नगर परिषद में पहुंचाने की अपील की है। जो एक नंबर वार्ड में नालियां नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की बहुत समस्या है, वो मैं पूरा हल करूंगी। भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है और विकास की वजह से जनता का दिल जीता और जनता पूरी साथ में रही और जनता के आशीर्वाद से हम पुनः नई नगर पंचायत का गठन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और इसमें सभी चीज़ें बैठकर संगठन तय करता है और वही होता है। मेघनगर की सभी जनता को हमारा बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद कि इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हम सभी और हमारे सभी पार्षद और हमारी नगर पंचायत नगर की सारी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेगी और इसको आदर्श नगर पंचायत बनाने की प्रयास हम करेंगे। अभी नगरीय निकाय के चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें 15 वार्ड में से 8 वार्ड में BJP, 6 वार्ड में कांग्रेस और 1 वार्ड में निर्दलीय विजयी हुए हैं और ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और सबके सहयोग से ये चुनाव बहुत अच्छे से हुआ है, संपन्न हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की और खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज़ के साथ। नमस्कार।